अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्यार भाई के साथ होंगे फ्रेंड्स, अपनी अपनी फैमिली के साथ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 7 और आज छुट्टी भी है बच्चे लोग का और हस्बैंड का भी छुट्टी है। तो वो लोग अभी बच्चे भी सोए हैं और वो लोग अभी हस्बैंड अभी लेटे हैं, ऐसे ही लेट करके मोबाइल देख रहे हैं क्योंकि छुट्टी है स्कूल का, क्योंकि आज जन्माष्टमी है इसलिए छुट्टी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और यहाँ पे मैंने सेवैयाँ भून कर रख लिया है जो मैं आज बनाऊँगी सेवैयाँ। तो सेवैयाँ किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमको तो सेवैयाँ वैसे तो सेवैयाँ ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी पसंद है, मैं खा लेती हूँ। जैसे मैं अच्छे से बनाती हूँ अब तब मैं खाती हूँ, और बनाती हूँ मैं सेवैयाँ तो अच्छे से ही बनाती हूँ और तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह कट करके रख लिया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं सब्जियाँ आलू मतलब प्याज और मिर्च फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं और इसे डालते हैं सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स, आज ना तरोई की सब्जी मैं बना रही हूँ और तरोई की सब्जी बनाऊँगी, सेवई बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो रहे हैं, प्याज और हरी मिर्च इसके अंदर डाल दूँगी मैं तरोई, ये जो मैंने कट करके रख लिया है पहले से, तो इसको हम डालते हैं इसमें। और यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ ताकि मैं सेवैयाँ बनाऊँ। और दूध ना पूरी की पूरी दूध मेरी रात में बच गई थी क्योंकि चिकन बना था तो दूध कोई किसी ने नहीं पिया, तो दूध बच गए। मैंने सोचा चलो इस बार सेवैयाँ बना देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, इसको डालते हैं इसमें। तो एक देखिए ऐसी मैं ऐसे मैंने कट नहीं कर पाई हूँ तो इसी में कट कर देती हूँ, ये तो गल जाएगा, इतना मोटा मोटा कट कर देती हूँ तो गल ही जाएगा। अब इसमें डालते हैं नमक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरा जो है नाश्ता वगैरह बन चुका है और बस। तो इस तरह से मैंने आज अपना जो है मॉर्निंग रूटीन शेयर किया आप सभी के साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ, हस्बैंड बैठ के मोबाइल देख रहे हैं और बेटे लोग आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए।
और मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी, तो सेवई हमारी आज की जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। इतना गाढ़ी मैं सेवई कभी नहीं बनाती हूँ, और मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल ना जैसे कि दूध हमको दूध की तरह दिखना चाहिए। हल्का सेवैया मैं डालती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों झटके में पड़ गया सेवई ज़्यादा और मेरी जो है सेवई गाढ़ी हो गई। तो इस तरह से हमको गाढ़ी सेवैया अच्छा नहीं लगता है, लगता है लेकिन वो जो मामी सेवैया होती है वो अच्छी लगती है गाढ़ी। तो सेवई ज़्यादा हमको पसंद नहीं आया, तो बनाई थी मैं ही लेकिन हमें को पसंद नहीं आया। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ और नाश्ता वगैरह हो चुका था हमारा, और झाड़ू मैंने लगा दिया था चारों तरफ। तो बस नाश्ता करने के बाद सारे काम जो होते हैं वो करने थे हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो है बर्तन साफ़ हो रहा है, और मैं गई थी अपने मायके, मायके से घूम के आई हूँ, और अच्छा लगा हमको घूम के आई हूँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाने से। तो फ्रेंड्स, और गई थी वहाँ पे तो वीडियो बहुत मैंने कम बनाया है कि बहुत सारे वहाँ पे ना बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्मी, तो मैंने वीडियो बहुत कम बनाई थी, एक ही मैंने वीडियो बनाई थी। और फ्रेंड्स, बस ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो एक ही वही मैंने अपलोड की थी, और टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। और फ्रेंड्स, तो आज का मेरा ब्लॉग है जो, तो कैसा लगा आप सभी लोग को? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे फ्रेंड्स तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्या कहें आपसे, वीडियो मेरा बहुत कम जा रहा है और लोग देखते भी नहीं है, तो वीडियो क्या बनाएं, समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो क्या बनाएं। हम लोग तो अपना जो है घर का रोटी नहीं शेयर करते हैं, कहाँ जाएं बाहर वीडियो बनाने। वैसे तो घर ही पर रहकर हम लोग वीडियो बनाते हैं, बाहर तो जाना नामुमकिन होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए चलिए चलते हैं, और अपना जो ब्लॉग है तो यहीं पे एंड करते हैं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात और जो मैं कहना भूल गई आपसे, और तो बताई थी मैं, घर गई थी मैं, और वहाँ पर सोची थी कि मैं जाऊँगी ना घर पे तो अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन क्या करूँ, अकेली हूँ, अकेली थी और मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि क्या था ना कि बहुत गर्मी भी पड़ रही थी और हमारे यहाँ 4 दिन 3 दिन से लाइट भी नहीं आ रही थी, लाइट बिल्कुल गायब थी, तो इसके वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आंधी तूफान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आए थे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पेड़ पौधों को,